हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप पर मंथ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चले हुए हैं उसमें हम 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट प्लस में सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्या करेंगे, पेपर का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले जो रेलवे के जो एग्ज़ाम है उन सभी के हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सही वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में हमने जितने भी नए यूजर हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो रेलवे के एग्जाम संबंधी पल पल की जानकारी पाना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है इस पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी जितनी भी जो डेली के 3 से 4 वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में ये रेलवे PDF को आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आज के शिफ्ट के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है इसमें जीके प्लस में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है वो हमारा है साइंस से कि प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र वो क्या होता है। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C3H8, जिसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कितना होता है, C3H8 होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो NaHCO3 होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सूर्य में जो ऊर्जा है वो कैसे बनती है, तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो बनती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। और यदि हम रिएक्टर की बात करें तो उसमें कैसे बनती है, तो उसमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या बनती है, उसमें ऊर्जा बनती है। और सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा जो हमारी आंखों में जो रोशनी वाला जो भाग है जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो इसमें जो रोशनी वाला जो कार्य करता है वो कौन करते हैं, तो कॉर्निया क्या करते हैं, आँख में रोशनी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो आवर्ती है कि जो SI यूनिट है वो क्या होती है, तो हर्ट्ज क्या होती है, आवर्ती की SI यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गतिज ऊर्जा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा होती है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ½mv² क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यह ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्वरण की इकाई क्या होती है, तो त्वरण की इकाई क्या होती है, तो ये होती है m/s² का क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो /s² का क्या होता है इसका SI यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो कौन सी धातु के उपयोग में होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें हम जो धातु यूज करते हैं वो होती है टंगस्टन धातु, क्या कहते हैं इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खेल से हैं जो कबड्डी वर्ल्ड कप है 2016 का किसने जीता था, तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 किसने जीता था, तो यह भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पुदुचेरी है उनके जो गवर्नर है वो कौन है, तो उनके गवर्नर कौन है, किरण बेदी है। आप सभी जो जितने भी गवर्नर है स्टेट के वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, साथ में जो CM है यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि हर सीट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या तो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा या फिर चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन मिलेगा, पर पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप एक बार लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है भारत में कहाँ होता है, तो यह कहाँ होता है, तो यह होता है गोवा के अंदर होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो गोल्डन बूट अवार्ड 2018 किसने जीता है, तो यह अवार्ड किसने जीता, तो यह जीता है हैरी केन ने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो इस्पात उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ भारत का कौन सा स्थान हो गया है, तो इसमें कौन सा हो गया है, इसमें तीसरा स्थान हो गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान की पहली जो हाई कोर्ट जज है महिला वो कौन है, तो पहली हाईकोर्ट जज है पाकिस्तान बनी है वो कौन है, तो ताहिरा सफदर क्या है, बाकी पहली हाईकोर्ट की क्या है, महिला जज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट हमारा मुंबई में बारिश किस घाट के कारण होती है, तो मुंबई में बारिश होती है पश्चिम घाट के कारण क्या होती है, मुंबई में बारिश होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2017 का, वो तो बाकी नहीं किया गया है, तो कृष्णा सोबती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जो काला फिल्म का जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो पी रंजित क्या है काला फिल्म के डायरेक्टर, और डायरेक्टर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगभग अब 2018 की जितनी फिल्म है लगभग उन सभी को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से उनके डायरेक्टर पूछे जा रहे हैं, और जो सोशल पे जो फिल्म बनी हुई है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो ये रेखा शर्मा कौन है महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट हमारा, जो गुजरात के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो अमिताभ बच्चन क्या है गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है, और अम्बेसडर से संबंधित भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जा रहा है, तो आप भी इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, जो हंगरी की राजधानी है वो कौन क्या है, तो बुडापेस्ट क्या है हंगरी की राजधानी, और राजधानी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जा रहे हैं कैपिटल से संबंधित भी। दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, ये एक एक दो दो क्वेश्चन पूछने लगे हैं, और सभी सभी जो जितने भी चैप्टर वाइज है उनमें सभी से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है रेलवे के एग्जाम में, स्टार्टिंग एग्जाम में और अब के एग्जाम में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, तो आप ये चेंजमेंट देखने को साफ साफ मिल रहा होगा। दोस्तों हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं टॉपर मंत्रा पे, साथ में टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, साथ में जितने भी जो रिलेटेड क्वेश्चन आज बने हैं उन पर रिलेटेड भी एक वीडियो आज हम लेके आएंगे, तो आप मुझे देखिएगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ओके बाय एंड टेक केयर।